स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आज 8th के साइंस में जो चैप्टर पढ़ने से अर्थ वाटर पोल्यूशन तथा में डिस्कस करना है ग्लोबल वार्मिंग क्या गए। डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग गई इंक्रीज इन अर्थस एवरेज टेम्परेचर। जमीन पे औसत टेम्परेचर आसान दर्जा हरारत तथा मज अगर इंक्रीज ग तथा वन ग्लोबल वार्मिंग। पत सवाल अत क्या पत कि काज आ वजह क्या ग्लोबल वार्मिंग क्या ग चूंकि उस ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड वाटर वेपर इन अगर कंसंट्रेशन आयरस में ज्यादा गाने इन तदाद हरान उस अमाउंट इहुद हरान अमी सत ग्लोबल वार्मिंग हाँ गूंकि सोलर रेडिएशन जमीन पे आसान जमीन सोलर रेडिएशन कह रिलीज बैक कर आयरस मज तो ग्रीन हाउस गैस इमें ट्रैप करा यम सत अर्थ वार्म रोजन तो ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल ग मगर ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आयरस मज हर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हर मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस इन तदाद हरान अम सर्थ टेम्परेचर बढ़ित इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग वनान ग्लोबल वार्मिंग हेकि बुर असर जिंदगी पे त्रित यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेस हेकन एडवर्स यानी मुखालिफ ग्लेशियर यम तम पिघलन सहलाब खतर रोज यह ग्लोबल वार्मिंग सहित गसित। लेकिन सवाल कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ये कित आयरस मज हरान ये बिकॉज ऑफ द आयर पोल्यूशन कि तहंद साइनस मज मेंशन कर कि आयर पोल्यूशन सहित हसा ग्रीन हाउस गैसन कंसंट्रेशन आयरस मज हरान यु कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आयरस मज हरा उस एवरेज टेम्परेचर अर्थस पे अत मज ग इंक्रीज तथ वन ग्लोबल वार्मिंग। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन इंग्लिश डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स एन इंक्रीज इन एवरेज अर्थस टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, सोलर रेडिएशन दैट आर रिलीज्ड बैक इन एटमॉस्फेयर आर ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस by which the earth remains warm and the human survival is possible on the earth. And when the concentration of greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, etc. increases due to air pollution, the average temperature on the earth would increase, and which is global warming, and the global warming will put adverse effects on the life on the earth. लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन इन कश्मीरी। आज से 8th के साइंस में डिस्कस करना ग्लोबल वार्मिंग क्या गया ये किम चैप्टर में से आयर एंड वाटर पोल्यूशन। चूंकि ग्लोबल वार्मिंग से सहल पर था वन याद या से गो इंक्रीज इन अर्थस एवरेज टेम्परेचर ये सोलर रेडिएशन आसान यानी सोलर हीट आसान से इस अर्थस पेट वातन अच अर्थ करना एब्जॉर्व मगर कह सोलर रेडिएशन से रिलीज बैक ग एटमॉस्फेयर मज तथ ग्रीन हाउस गैसेस तो ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करा अम अर्थ सरफेस रोजान वारम यम ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल मगर ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आयरस मज हरान तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड हर अम तदाद हर मीथेन हर या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस तिज तदाद हरान तम सर्थ एवरेज टेम्परेचर हरान युथ अर्थ एवरेज टेम्परेचर हर तथ वन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हे पत इम्पैक्ट त्रित जिंदगी पे यानी बेहतर एडवर्स यानी मनफी असर त्रा जिंदगी पे ग्लेशियर पिघलन मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस तम अंडरराइजेबल ड्राफ्ट्स हेकन दिथ रूद पे वारिया टाइमस कह अम एडवर्स इफेक्ट पत लाइफ पे पे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग एंड सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट इंक्रीज इन द अर्थस एवरेज टेम्परेचर इज ग्लोबल वार्मिंग।
Their students say solar radiations that are released back from the Earth's surface are trapped by greenhouse gases by which Earth remains warm and human survival is possible. And when the concentration of greenhouse gases in air increase due to the pollution of Earth by which the Earth's average temperature will increase and which is the global warming, and global warming would put adverse effect on life on the Earth. There would be melting of the glaciers and there will be undesirable climatic changes by which the life will fall in danger. तो आसान में आपको ये याद रखना, आसान पोस्ट तो ये याद था उनकी, ग्लोबल वार्मिंग कैसे गई, इंक्रीज इन अर्थस एवरेज टेम्परेचर। वह सवाल आज पे वजह आसान ये सोलर रेडिएशन आसान यु अर्थ सरफेस पे कह ऑब्जर्व गसा रिलीज बैक इन टू एटमॉस्फेयर यानी वापस गसा एटमॉस्फेयर तथा ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करा युद्ध ग्रीन हाउस गैस कह ट्रैप अम सर्थ सरफेस वारम रोजान तीचा वारम से रोजान यानी अमुक टेम्परेचर असल पे बन रोजान अम ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल मगर ये कंसंट्रेशन ऑफ मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हुरन यानी उस ग्रीन हाउस गैस इन तदाद हुरन अमन मे क्या गा अर्थुक टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ग एवरेज टेम्परेचर मजा इंक्रीज अच्छा ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग पे एडवर्स इफेक्ट यानी मनफी असर लाइफ पे त्रावान मे क्या ग्लेशियर सन पिघलन पे ब्लडस ड्राट्स हेकन ये लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग लाइफ खतर खतर थ्रेट मे उमेद कि तहद जहन तेज यह बात कत व कि क्या गई ग्लोबल वार्मिंग तो ग्लोबल वार्मिंग क्या यानी चूंकि तुम एट स्टैंडार्ड लड़के तहज उस टेक्स्ट बुक यह स्टैंडार्ड मुताबिक बनित लिहाजा कि मतलब अम चीज तथा मेन्शन कर मे वे क्या एट स्टैंडार्ड बच्चे खातर ईन कफी मे उमेद कि तुम कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग समझ आम इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन दैट मे स्ट्राइक योर माइंड कह कन्फ्यूजन गु तुम स्ट्राइक करो माइंड यानी तुंदिस दिमाग मज ई नहीं सू कह तुम हूँ मे कॉल कर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज त्रित बह चीज रिपीट तो सिंपल यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट द ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन अर्थस एवरेज टेम्परेचर सोलर रेडिएशंस विच आर ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस टू कीप अर्थ वार्म बाय विच द ह्यूमन सर्वाइवल इज पॉसिबल ऑन द अर्थ एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज in the atmosphere which finally leads to global warming. Thanks. Be well, as it were.